हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा एंड हैप्पी संडे टू यू ऑल। और आपने इस संडे क्या किया है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने तो थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है, शॉपिंग की है मैंने अपने हस्बैंड के लिए। 5 अक्टूबर को है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो कुछ एडवांस में शॉपिंग करनी पड़ी है। तो उन्हें एक्चुअली कानपुर जाना था 2 और 3 तारीख को, और आज संडे की ये रात को देखिए घड़ी पहनी हुई मैंने। इस टाइम बज रहे हैं 11:15 और मुझे आपके लिए वीडियो शूट करना पड़ रहा है क्योंकि उनको किसी ऑफिस के काम से किसी इवेंट में जाना है कानपुर। तो ये जो शॉपिंग करी है बहुत अर्जेंटली करी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये जो शॉपिंग करी है रिलायंस ट्रेंड से करी है हस्बैंड ने, हस्बैंड खुद चले गए थे। तो जब भी हमारी एनिवर्सरी होती है या बर्थडे होता है तो हम या तो साथ में जाते हैं, लेकिन हस्बैंड अपने एक फ्रेंड के साथ गए थे, एक कुलीग के साथ। तो उन्हें भी शॉपिंग करनी थी क्योंकि उन्हें भी जाना था कानपुर साथ में उनके साथ इवेंट पे। तो उन दोनों ने शॉपिंग कर ली अपने लिए, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, इस शॉपिंग से दो दो काम हो गए हैं, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। जब भी मेरी शॉपिंग होती है तो इनको कानपुर जाना था तो कुछ कपड़े भी खरीदने थे, तो ये कपड़े ले लिए हैं। और मुझे इन्हें बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट देना था तो मैंने इनको अपना कार्ड दे दिया था, क्योंकि मैं तो साथ में गई नहीं थी, ये अपने फ्रेंड के साथ गए थे। तो जो भी शॉपिंग करी है इन्होंने मेरे कार्ड से करी है। तो कई बार हम ऐसा ही करते हैं एक दूसरे को, जब भी हमें कोई गिफ्ट देना होता है तो हम अपने कार्ड से शॉपिंग करा देते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करा देते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्या क्या हस्बैंड ने अपने लिए परचेज किया है। और भी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो ये शॉपिंग आपको हेल्प करेगी। आप अगर आप अपने ब्रदर को, अपने फादर को या अपने किसी मेल फ्रेंड को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स, ये जितनी भी शॉपिंग करी है ये सब फॉर्मल वियर है, तो ऑफिस में पहनने वाले कपड़े लिए हैं। और फर्स्ट ये जो स्लीव शर्ट है कॉप ब्रांड की, बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये। और रिलायंस पर जितने भी कपड़े हमने खरीदे हैं, पहले भी आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया था, तो काफ़ी अच्छे निकलते हैं। तो एक ये वाली शर्ट है, ये देखिए, इन्होंने अभी ओपन करके देखी थी तो ये थोड़ी सी ऐसी हो रखी है। और मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, इस पर लिखा हुआ है 2599, तो 2599 की है। आई थिंक इस पर 20% या फिर 25% डिस्काउंट था, तो मेरे पास वो अभी बिल नहीं है तो वो इनके फ्रेंड के पास है। और इस तरह की शर्ट है ये, और 40 साइज है इसका। तो कोई किसी ब्रांड में 40 साइज आता है, मेरे हस्बैंड को किसी में 42 आता है, और ये 40 में भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन कपड़ा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये देखिए। तो अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं ट्रेंड से तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन इस टाइम पर आ रखे हैं फेस्टिवल के टाइम पर। और वैसे तो लेडीज़ को मतलब जेंट्स के कपड़ों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है अपने किसी मेल फ्रेंड को या फिर रिलेटिव्स को या फिर हस्बैंड को, तो ये शॉपिंग ब्लॉग आपके काम में आएगा। और ये देखिए किस तरह से लग रही है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और अगर हस्बैंड ने ये पहनी और साथ में मतलब मैंने उनका फ़ोटोशूट कर लिया तो साइड में मैं उनकी वीडियो लगा दूँगी। चलिए देख लेते हैं इस वाले पैकेट के अंदर क्या है। तो आई थिंक 2-3 शर्ट हैं इसमें, यस 2 शर्ट हैं और 2 ट्राउज़र हैं। तो एक शर्ट ये है नेट प्लाई की, इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, कॉप वाली शर्ट से भी ज़्यादा। और इसका साइज़ है 42। तो हर ब्रांड के जो साइज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसमें 42 भी देखिए छोटा लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है। उन्होंने ट्राई किया था तो उनको बिल्कुल फिट आया। और जो मैंने आपके साथ ये वाली शेयर की थी ये 40 है, लेकिन 40 में भी वो थोड़ा बड़ा लग रहा है। और इसी तरह से लेडीज़ के कपड़ों में भी अलग अलग ब्रांड के जब आप कपड़े ख़रीदते हैं मिंत्रा से या फिर आप मीशो से ख़रीदते हैं तो उसके साइज़ में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है। तो जब भी आप कभी ऑनलाइन कपड़े मंगाएं तो आप एक बार मतलब जब चेक करेंगे तभी आपको पता चलेगा, लेकिन ऑफलाइन में ये फ़ायदा होता है कि आप वहाँ पर जो ट्रायल रूम है वो ट्राई कर सकते हैं। तो इन्होंने ट्राई कर लिया था, ये इनको बिल्कुल फिट आई, और 42 साइज़ है। और प्रिंट कैसा लग रहा है आप कॉमेंट करके मुझे बताना। थोड़ा सा अच्छा सा प्रिंट है, बहुत ही सूदिंग सा कलर है इसका, हल्का हल्का सा ग्रीन है और जो बेस है इसका वाइट है, तो वाइट बेस पर जो भी इस तरह के प्रिंट होते हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। और फ्रेंड्स, इसका भी प्राइस है 1049, तो आई थिंक ये 30% डिस्काउंट पर थी या फिर 40% डिस्काउंट पर थी, मुझे एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है क्योंकि जो बिल है इनके फ्रेंड के पास है तो इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकती। तो चलिए एक दूसरी शर्ट हो गई, और इन दोनों से कौन सी शर्ट आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट में है यहाँ पे एक और नेट प्ले की शर्ट है जो वाइट है, और वाइट हमेशा ही अच्छा लगता है। वाइट कपड़ा मतलब हमेशा, वाइट ड्रेस आपके हमेशा वार्डरोब में होनी ही चाहिए,
तो ऑफिस वाला कलर है, वाइट कलर हमेशा किसी ना किसी ओकेजन पे अच्छा लगता है और ऑफिस में डेली वेयर भी आप इसे मतलब पहन सकते हैं और काफ़ी अच्छा कपड़ा है इसका और इस तरह का कॉलर है इसमें। आई थिंक इसको चाइनीज कॉलर कहते हैं या क्या कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। और देखिए इसका साइज़ भी है 42, तो आपको देख के पता चल रहा होगा जितने भी साइज़ में आपको दिखा रहा हूँ ये भी 42 है। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे लेकिन सही आया है, उनको उन्होंने ट्राई किया था। और ये इसका प्राइस है, मैं आपको बताती हूँ, इसका है 1299। तो आई थिंक ये भी शायद 30% डिस्काउंट पे थी या फिर 50 पर। तो और फेस्टिवल के टाइम पर उनके जो रूल्स रेगुलेशन है थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, कभी 40% डिस्काउंट मिलता है, कभी 50% डिस्काउंट मिलता है। तो एक शर्ट, थर्ड शर्ट ये वाली हो गई। और फ्रेंड्स यहाँ पे है ये एक ट्राउज़र जिसका थोड़ा सा बॉटल ग्रीन कहिए या फिर जैसे, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो फौजी वाले, जो फौजी होते हैं ना वो वाले जो ड्रेस वियर करते हैं उसका थोड़ा सा इस तरह से ग्रीन कलर होता है, तो उस तरह का कलर है इसमें। और ये भी नेट प्ले की ट्राउज़र है, स्ट्रेच फैब्रिक है इसका, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रेच फैब्रिक, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है इस तरह का फैब्रिक जो स्ट्रेच फैब्रिक होता है। और इसका प्राइस मैं बताती हूँ आपको, 1049 और 34 साइज़ है ये। तो फ्रेंड्स ये वाली जो ट्राउज़र है ये भी नेट प्ले की है और मॉडर्न टेपर्ड इसके ऊपर लिखा हुआ है और 34 साइज़ है और नेवी ब्लू कलर है इसका, डार्क ब्लू। और ब्लू कलर मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, ज़्यादातर वो जो अपने कपड़े लेते हैं ना उनके मतलब वार्डरोब में आपको ब्लू कपड़े मिलेंगे, ब्लू कलर की टी शर्ट वगैरह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह का ट्राउज़र है ये, सिंपल सा ही है और कहना ट्राउज़र वगैरह सिंपल ही होते हैं, हमारे जो लेडीज़ की जो चीज़ें होती हैं ना उसमें हम तरह तरह की चीज़ें देखते हैं और वो करते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जेंट्स का अच्छा है, सिंपल से कपड़े होते हैं, ज़्यादा उसमें चूज़ करना नहीं पड़ता, बहुत सिंपल, और बस कलर वगैरह चूज़ करना पड़ता है और साइज़, तो उनकी शॉपिंग लेडीज़ से ज़्यादा जल्दी हो जाती है। फ्रेंड्स ये हो गई दो ट्राउज़र और आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना। ये हो गई दो ट्राउज़र और थ्री शर्ट, वाइट है एक, वाइट शर्ट हो गई और ये दो ब्रांडेड शर्ट हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है हस्बैंड की। और जो ये मैंने तामझाम फैलाया ना फ्रेंड्स, अभी इसको तय करके रखना पड़ेगा और हस्बैंड को भी कानपुर जाना है तो उनके लिए दो शर्ट मुझे वॉश करके भी रखनी है, क्योंकि जो भी मैं ऑफलाइन शॉपिंग करूँ या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करें हम, तो जब भी हमें कोई कपड़ा पहनते हैं उसको पहले मैं वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद इसको आयरन करा लेंगे। कई बार ये होता है कि ना कपड़ा श्रिंक वगैरह हो जाता है तो उसका पता चल जाता है। वैसे ये कपड़े इतने मतलब क्वालिटी इनकी अच्छी है तो ऐसा इनमें नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इनको वॉश करना प्रेफर करती हूँ। तो बस फटाफट से इनको समेटना है मुझे। और एक लास्ट चीज़ आपको और दिखाती हूँ, तो यहाँ पे एक छोटी सी किट हमने ऑफलाइन ली थी, इस तरह की किट आप ले सकते हैं अगर आप, तो जब भी हम ट्रेवल करते हैं हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ब्रश हो गया, टूथब्रश, टूथपेस्ट हो गया, हेयर ऑयल हो गया या फिर कोई क्रीम हो गई, आपकी सनस्क्रीन हो गया, तो इस तरह की किट में आप अच्छे से सामान रख सकते हैं। तो हस्बैंड ने ये ऑफलाइन ली थी, तो इसमें काफ़ी सारे पॉकेट हैं, ये देखिए, जैसे आप इसमें डीओ वगैरह रख सकते हैं, शेविंग का जो सामान होता है वो रख सकते हैं और ऑयल वगैरह के पाउच रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑयल के छोटे छोटे पाउच रखे हैं और काफ़ी सारे पॉकेट हैं इसके अंदर। तो लेडीज़ का भी अगर कहीं ट्रैवल करें तो इस तरह की किट ज़रूर रखें अपने पास, और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आई थिंक ये 150 या 200 की थी, ऑफलाइन ली थी हमने, तो काफ़ी अच्छी मिल गई। इस तरह की किट आप जब भी ट्रैवल करें तो अपने पास ज़रूर रखें और उसमें आप सामान इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स ये किट कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन किसी की वीडियो से अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया। तो फ्रेंड्स अब ये मुझे सारा समेटना है और सबसे पहले मुझे ये दोनों शर्ट धो के रखनी है, रात को ही वॉश करके रख दूंगी कल, क्योंकि इनका बैग लगाना है और कल ये शायद 6 बजे तक निकलेंगे, तो बस इनका बैग वैग भी पैक करना है। और आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपके छोटे से लाइक से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना अब तक, तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। और 5 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो आपके साथ शेयर करूंगी जो जो भी मैं मतलब अपने मतलब इनके बर्थडे में, हो सकता है एक आधा गिफ्ट मैं और मंगा लूँ, अभी मुझे मैंने कुछ सोचा हुआ है ऑनलाइन मंगाने के लिए, तो वो सारे ब्लॉग्स देखने होंगे, तो उसके लिए आपको लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। तो चलिए जल्दी आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।